तो मेरा फैमिली इधर है, मेरी बहन है, मेरी भांजी है, बच्चे है, भांजा है, तो यहाँ पे तो आते रहता है मैं। और खास करके आज मैं सरप्राइज दिया मेरे बहन भाई और मेरी भांजी भांजे को कि क्योंकि मुझे आने को मिलता नहीं और ऐसा आज मौका है तो मैं बोला आज जाके सरप्राइज देता हूँ, तो इसके लिए आया। ऐसा आज बहुत बड़ा दिन है आपका, तो हिंदुस्तान में आज सबको ईद मुबारक, अच्छे दिन पे है। और ये धर्म का जो खेल दुकान खोल के रखा है लोगों ने, वो बंद करना चाहिए। एक नंबर, एक नंबर। अच्छा, ये आज का दिन जो पूरा ईद का जाएगा, किस तरीके की सब जगह अलग अलग सिवैया है और खास तौर पर कितना अच्छा लगता है? मैंने तो डब्बा भर दिया। अच्छा लगता है? मैंने तो डब्बा भर दिया। पहले ही बोला मेरा हफ्ता दे देने का, तो एक डब्बा मेरे बहन को बोल दे कि मेरे को डब्बा दे दे भर के, एक नंबर है। हाँ, तो ऐसा इधर ही नहीं, मेरे घर पे भी अभी कल नैने करके 6-7 डब्बे आ जाएंगे, क्योंकि बहुत ऐसे मेरे दोस्त है मुस्लिम जो मेरे गणपति में आते हैं, मेरे हर त्यौहार में आते हैं, मैं उनके हर त्यौहार में जाता हूँ। तो यहाँ पे कभी मजहब नहीं देखते, इंसानियत देखा जाता है। सही है, सही। मगर कुछ लोग ना, बात तो सही है। कुछ लोग ना वो दुकान खोल के बैठे, अगर उन लोग ने ये मजहब का धंधा नहीं किया तो फिर वो उनका दुनियादारी दुकान कैसे चलेगा? तो चलते रहता है, मैं उसके बारे में नहीं सोचता है। ऐसे लोगों को अपने स्टाइल में कुछ नहीं। ऐसे लोगों को ना कितना भी बोलेगा अपना मुंह खराब होने जैसा। आज सबूत है जीता जागता कि हिंदुस्तान मेरे घर पे खड़ा। आज हिंदुस्तान की सभ्यता और हिंदुस्तान का भाई मेरे साथ खड़ा है, तो प्लीज मेरे हिंदू भाइयों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। ये मेरे भाई है जितने भी, इनको अगर हाथ लग गया ना तो अच्छे अच्छे की फाड़ डालूंगा मैं। बेबी, इनको अगर हाथ लग गया ना तो अच्छे अच्छे की फाड़ डालूंगा मैं। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ऑल वीडियो पे सेट कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।